लखनऊ में रविवार की शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आसमान में काले बादल छाए रहे। दिन में 3-4 बार बूंदाबांदी के बाद शाम होते होते ही जमकर बरसात होने लगी। गोमती नगर, चिनहट, इंदिरा नगर समेत शहर के इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार और मंगलवार को बारिश की बात कही जा रही है। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। मानसून एक्टिव होने के बाद शुक्रवार और शनिवार को दिन लखनऊ में रिकॉर्ड स्तर पर करीब 125 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि प्रदेश में सिर्फ 18 mm की ही बारिश हुई। पूर्वी यूपी में 11.4 मिलीमीटर और पश्चिमी यूपी में 7 मिलीमीटर की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लखनऊ में भारी बारिश का संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लखनऊ में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद भी 5 जुलाई तक लखनऊ में बारिश के आसार बने हुए हैं। आने वाले 5 जुलाई तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक के रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया जाएगा, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान होगा। विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून आने के कारण गर्मी से राहत मिली है। इस बार लखनऊ में अच्छी बारिश के आसार हैं। मानसून अरब सागर में ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। इसकी वजह से दक्षिण पश्चिम में मानसून गुरुवार को ही पहुंच गया। यूपी की तराई वाले इलाकों की ओर मानसून बढ़ गया है। इसके असर से दक्षिण पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश हो रही है। शनिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री रहा। ये सामान्य तापमान से 2.3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा। ये सामान्य तापमान से 1.4 डिग्री कम रहा। जून महीने में पहली बार अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा, जबकि 24 जून को लखनऊ का अधिकतम तापमान 40.3 दर्ज किया गया था। आने वाले 6 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। पारा 3-4 डिग्री तक नीचे जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आप हमें अपनी कीमती राय जरूर दें और देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।